जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि हम लोग कल भी ये बात किए थे, एग्जाम की बात चल रही है, मुद्दे इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सरगर्मी पर हैं ऑनलाइन ऑफलाइन की एग्जाम की। तो मैंने आपको बता दिया था कि ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए 14 फरवरी को, चूंकि यूनिवर्सिटी तो खुल रही है, 14 फरवरी को विश्वविद्यालय आपका ऑफलाइन मोड में शुरू होने वाला है। क्लासेस चलने वाली है बीकॉम फर्स्ट ईयर की, बीए फर्स्ट ईयर की, बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू होने वाली है। अब बात यह है कि 14 फरवरी ये क्रांतिकारी दिवस है, 14 फरवरी ये क्रांतिकारी दिवस क्यों माना जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसी दिन आपको याद होगा अंग्रेज़ों ने 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को फांसी की सज़ा सुनाई थी। फांसी की सज़ा सुनाई थी, वो बात की बात है कि ये लोग फांसी पर चढ़े थे 23 मार्च 1931 को। तो मैं आपसे खुल के कहना चाहता हूँ कि बगैर क्रांति के कोई शांति नहीं होती है। अगर आप लोग खुले मंच पर तैयार होकर के बीसी जी से आप बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो हो सकता है कि एग्जाम आपका ऑनलाइन हो जाए। अदरवाइज ये लोग पूरी तरीके से मोड़ बना लिए हैं, आपको पूरी तरीके से मोड़ बना लिए हैं ऑफलाइन एग्जाम कराने का। 100% इस बात को आप जान लीजिए। और आप चाहे हाई कोर्ट से लड़िए, चाहे सुप्रीम कोर्ट से लड़िए, क्योंकि जिससे आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, उनके लोग भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं हैं, इसलिए ये लोग पूरी तरीके से आपको दबाने का प्रयास करेंगे। मैं फिर से यही बात कह रहा हूँ, तो लड़ाई आपकी है, लेकिन सहयोग मैं करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। आप लोग खुले मंच पर अपनी मांग रखिए और अपनी बातों को रखते हुए अपनी सफलता लीजिए, ताकि आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने में सफल हो जाएं। पहली चीज़, एक बात मुझे ये बताना था। दूसरी बात मुझे आपको ये बताना है कि 1 मार्च की बात है 2022 से, मैंने एक बात सोचा है कि आप बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं या आप बीकॉम थर्ड ईयर में, मैंने एक सेवा देने की बात मेरे मन में आ रही है। सेवा मतलब ऐसी चीज जो निशुल्क दे आपको। इधर ऑनलाइन ऑफलाइन का मुद्दा चलने दीजिए, लेकिन मैंने आपको सोचा है कि मेरा जो अपना यूट्यूब चैनल है विनीत उपाध्याय, इस चैनल पर आप लोग लाइव आइए। 1 मार्च से मैं लाइव होऊंगा, और आपका जैसे इनकम टैक्स है, कास्ट अकाउंट है, स्टेट्स है, ये मॉर्निंग क्लासेस में सुबह 7 से 10 के बीच में समय आपको बता भी दूंगा। अभी बीच में कभी ना कभी आपको समय में डिस्क्लोज कर दूंगा। इस बीच में चाहे हमारी कोचिंग का लड़का हो, चाहे कहीं को, अब बात कोचिंग की नहीं रह गई, बात हमारे बीकॉम और बीए बीएससी की इज्जत की रह गई, बात अब बच्चों के इज्जत की रह गई है। इस आपके बात की इज्जत को मैं रखते हुए, हमारे कोचिंग का हो चाहे जहाँ का हो, अभी तक बहुत बच्चे ऐसे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एडीसी के, सीएमपी के, एसपीएम के, ईश्वर शरण के, एसएस खन्ना के, जगत तारण के, उनको अकाउंटेंसी की एबीसीडी नहीं आती और पेपर उनको देना है, उनको 6 सब्जेक्ट का नाम ही नहीं पता होगा, पेपर देने के लिए तैयार हो गए। तो मैं उन बच्चों को भी कह रहा हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल से हमसे जुड़ जाइए। मैं आपको निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये समय फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सेवा देने के लिए तैयार हूँ। पहली बलिदान मैं आपको देने के लिए तैयार हो गया। जो मेरी सेवा निःशुल्क होगी, वो भी 1 मार्च से 31 मार्च तक मैं आपको दे सकता हूँ आसानी से, और उन 1 महीनों में आपको इतना गाइडलाइन कर दूंगा कि आप इतना रिजल्ट ले सकते हैं न्यूमेरिकल पेपरों में, अकाउंट्स में, इनकम टैक्स में, स्टेट्स में, इतना मार्क्स उठा सकते हैं कि उसी के भरोसे आप 80% रिजल्ट गेन कर सकते हैं मार्केट में कम से कम। उससे क्या होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुंह पे एक तमाचा होगा। इधर आप लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए एक काम, क्योंकि बाय द वे कोई भी जंग लड़ने से पहले दोनों बातों को सोच लेना चाहिए कि एक तरफ तो हम चल रहे हैं, लेकिन उधर हमारा पढ़ाई ना नुकसान होने पाए। आप पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि कहने के लिए लोग हैं तैयार,
लेकिन करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको मैं बताऊं। इसीलिए एक ऑप्शन आप रखेंगे और उस ऑप्शन पे मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े स्टूडेंट हों, आप ADC के हों, आप CMP के हों, आप SPM के हों, आप ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज के हों, ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज तो अब नहीं रह गया, PG कॉलेज का हो गया बेटा, ये PG हो गया, जगत तारण के हों, SS खन्ना को, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, बहुत कॉलेज हैं, आर कन्या से लेकर कई चीज़ें, तो जिस भी ब्रांच के हों उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ऑफलाइन में अभी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ऑफलाइन में कोविड का जो स्कूल कॉलेज कोचिंग है भले खुल रही हैं उसमें गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। ऑनलाइन में हम क्या कर सकते हैं, आपको लाइव आकर के सुबह आपको पूरी तरीके से निःशुल्क सेवा कर सकते हैं 2-3 घंटे आपकी। उससे क्या होगा, विश्वविद्यालय के सभी बच्चों के बुरे वक्त में मैं बड़ा भाई बन के, साथी बन के सहयोग करूँगा और आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और आप विश्वविद्यालय के मुँह पर तमाचा मारेंगे। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी जो भी लोग जुड़ना चाहें वो लोग जुड़ना शुरू कर दें ताकि 1 मार्च से मैं आपके साथ ही काम कर सकूं। आपकी मजबूरी का फ़ायदा बहुत कोचिंग वाले भी उठाएंगे। मैं चाहता तो आपसे कह रहे थे आइए क्रैश कोर्स में भी पढ़ा सकता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे नॉलेज नहीं कि जगह नहीं, मुझे आप 3,000 दे दीजिएगा, मुझे 10,000 दे दीजिएगा, मुझे 15,000 दे दीजिएगा, मुझे 2,000 दे दीजिएगा मुझे, लेकिन मैं इस वक्त में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा ऑल इंडिया लॉ में फिफ्थ रैंक थी लॉ एंट्रेंस में अपने समय में, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी था तब भी। तो विश्वविद्यालय का आपका सीनियर होने की वजह से, आपका बड़ा भाई होने की वजह से बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हूँ और निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार। जय हिंद, जय भारत।